के जरिए आपको रेगुलर पता चल ही रहा है। बहरहाल अपडेट ये है कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। एके शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष बैठक से निकले हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह निकले हैं, मोती सिंह निकले हैं, सूर्य प्रताप शाही निकले, लक्ष्मीकांत वाजपेयी निकले हैं, विनय कटियार निकले हैं, सभी नेता निकलने लगे हैं, यानी बैठक खत्म हो चुकी है। 3.5 घंटे से ज्यादा समय से यह बैठक चली। इसमें मंत्री, वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ एके शर्मा, जितिन प्रसाद के साथ भी बैठक चली, यानी ये लोग भी मौजूद रहे। ये कोर ग्रुप की बैठक कही गई। असल में सरकार के साथ हुई बैठक में 2017 के संकल्प पत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद फिर आगे की रणनीति बनेगी। सरकार और संगठन के बीच जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। ये बड़ी बैठक थी, तकरीबन 3.5 घंटे की बैठक रही, बड़ी और लंबी दोनों बैठक रही। देखिए उसी वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह चौहान 7 विधानसभा मार्ग पर ही हैं। संजय, क्या अपडेट है अभी वहां पर? बिल्कुल, मैं बताऊं कि जिस तरीके से बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो गई है। कई मंत्री और कई बड़े नेता, विनय कटियार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई मंत्री जो है उस बैठक से निकल चुके हैं। लेकिन बैठक जिस तरीके से बहस की तैयारियों को लेकर के चल रही थी, तमाम मंत्रियों के कामकाज से असंतुष्ट भी देखा गया है। ऐसी कुछ सोर्स के हवाले से खबर आ रही है कि कई मंत्रियों से कामकाज से असंतुष्ट रहा, क्योंकि संकल्प पत्र को लेकर के विशेष तौर पर फोकस था सरकार का और संगठन का। लेकिन कई विभागों में वो संकल्प पत्र बहुत अच्छे से जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए, तो ये सोर्स के हवाले से खबर आ रही है। राहुल जी, संजय, जो नेता निकल रहे थे वो मीडिया से बात कर रहे थे, किनारे करके चले जा रहे थे। मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से जो है तमाम जो निकले हैं, चाहे सूर्य प्रताप शाही हो या फिर जय प्रताप सिंह हो, खासकर सिद्धार्थनाथ चूंकि सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं, प्रवक्ता भी हैं, लेकिन वो किसी भी मीडिया पर्सन से बात करने से एकदम कतरा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि कुछ मंत्री जो बात नहीं कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके विभाग के कार्यों से असंतुष्ट सरकार दिखी है और संगठन दिखा है, और यही वजह है कि उनको इस टास्क नया टास्क दिया गया है और कहीं ना कहीं कड़ाई से उस टास्क को पालन करने के लिए बोला गया है, और यही वजह है कि वो लोग मंत्री जो है मीडिया से बात करने से कतराते नजर आए। बिल्कुल, यानी जो टास्क मिला है उन्हें केंद्र की तरफ से, बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी, वो जाहिर सी बात है जो जिम्मेदार होगा वही बताएगा, यानी जिसकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। यानी अभी सारे मंत्री वहां से निकल गए हैं संजय? अभी भी मंत्री जो है 5 से 6 मंत्री निकल पाए हैं, बाकी जो दोनों डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री खुद वहां पर बैठे हुए हैं। हालांकि एके शर्मा जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे वो निकल गए हैं, जबकि संगठन की बैठक खत्म हो गई तो उनकी जिम्मेदारी, उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन अभी कई मंत्री जो है वो अंदर, श्रीकांत शर्मा अंदर बैठे हुए हैं, सिंचाई मंत्री जो जल शक्ति मंत्री है महेंद्र सिंह वो अंदर है, ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री है वो अभी अंदर ही बैठे हुए हैं। बस कुछ मंत्री निकले हैं, बाकी मंत्री अभी भी वहां पर बैठे हैं। और माना यह विचार है कि एक कोर टीम की बैठक इस बैठक के बाद और शुरू हुई है जो अगले 15-20 मिनट तक चलेगी, और चूंकि इन कार्यों की समीक्षा के बाद कोर टीम आगे कैसे करेगी और जो जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको आगे कैसे बढ़ाना है और कैसे उनसे ज्यादा काम लेना है उसको लेकर के एक बैठक कोर टीम की और चल रही है, वो कुछ ही देर बाद वो भी समाप्त होगी। राहुल जी, यानी बिल्कुल अभी बैठक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कुछ मिनिस्टर्स निकलना शुरू हो गए हैं लेकिन अभी भी कुछ हैं, बातचीत चल रही है। धन्यवाद संजय सिंह चौहान इस जानकारी के लिए।